भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गूगल एडसेंस में आपको आपका पेमेंट के लिए जो वेरीफाई करना है वो कैसे करने का है। जब तक आप यूट्यूब्स में या फिर आपके वेबसाइट्स के ट्रैफिक्स और ब्लॉग्स के ट्रैफिक्स को वहां पे जब तक आप गूगल के एडसेंस पे लिंक करके उसको पेमेंट का वेरीफाई, अपना एड्रेस के पूरी तरीके से वेरीफाई और बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं देंगे, तब तक पैसा आपके अकाउंट में कभी जमा नहीं होगा। तो उसके लिए हमने आज एक वीडियो बनाया है, देखिए। तो सबसे पहले हम गूगल एडसेंस के अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं अभी अपने पोर्टल में गूगल एडसेंस के अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ, और लॉगिन होने के बाद देखिए ऊपर में वेरीफाई का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ऑप्शन नहीं भी दिखेंगे तो भी आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में जा सकते हैं। यदि वेरीफाई पे जाएंगे तो भी चलेगा, या फिर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन में भी और पेमेंट सेम ऑप्शन खुलेगा, तो मैं यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है मुझे वेरीफाई, आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो आपको दिखा रहा है, इतना पैसा आपके अकाउंट में है, और ये $100 होने के बाद भी आपको ट्रांसफर होगा। यहाँ वेरीफाई नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया फोटो आईडी प्रूफ, आपको एक आईडी प्रूफ देना है। यहाँ आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड बोल के क्लियरली मेंशन है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा। इंडियन पासपोर्ट चल सकता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं यहाँ पे एक मेरा कोई भी इसमें से आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया, और ये ओनली जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है, दूसरे फॉर्मेट में आप अपलोड नहीं कर सकते। पीडीएफ वगैरह यहाँ पे वर्क नहीं करता, आपको सिर्फ अपलोड जेपीजी के फॉर्मेट में अपलोड करना है। हमें यहाँ पे और एक दूसरा भी अपलोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है। पैन कार्ड भी अपलोड करता हूँ, पर पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, मतलब पैन कार्ड अपलोड किया तो वो डीएल जो पहले हमने अपलोड किया था वो यहाँ से निकल जा रहा है। पैन कार्ड अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर पैन कार्ड से क्या होता है, इसमें एड्रेस प्रूफ नहीं होता, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस सबसे अच्छा है, या फिर पासपोर्ट, वोटर आईडी भी अच्छी चीज़ है। पैन कार्ड में अपना एड्रेस नहीं होता, इसके वजह से ये आपको वेरीफाई के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। इसके छोड़ के आप कोई भी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डीएल अपलोड कर रहा हूँ जेपीजी के फॉर्मेट में से, और नीचे सबमिट का बटन होगा। ये सबमिट का बटन आपको कभी कभी नहीं दिखता, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन के साइज को थोड़ा रिड्यूस करेंगे। जैसे रिड्यूस करेंगे आपको सबमिट का बटन दिखना चालू हो जाएगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल माइनस है, इसको मैं सबमिट करता हूँ। देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस इन प्रोग्रेस आपको बता दिया, इसको सबमिट कर दीजिए। अभी हमारा ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद मुझे जो अकाउंट में पेमेंट आएगा उसका मुझे यहाँ पे ऐड करना है अकाउंट डिटेल। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई का ऑप्शन को फिर से क्लिक करेंगे, या फिर हाउ टू गेट पेमेंट पेंड विद ऐड पेमेंट मेथड पे अभी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा बैंक डिटेल्स है, आपका बैंक का नाम, आईएफएससी कोड वगैरह, ये आप ये सभी फॉर्म्स को भर के फिर से यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो आपको डायरेक्ट जैसे ही $100 होगा आप आपके अकाउंट में आपका पैसा आपको जमा हो जाएगा। यहाँ पे आपके सब डिटेल्स वगैरह है। यदि हम हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।